हेलो एवरीवन आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर की इंग्लिश बुक यूनिट फोर एलिस इन वंडरलैंड तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय समय, समय से पहुँचती रहे तो चलिए बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं एलिस इन वंडरलैंड जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप इसे ध्यान से सुनिए तो इसमें देखिए क्या होता है कि वन डे एलिस वॉज लेइंग अंडर ए ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग ए स्टोरी एक दिन की बात है एलिस जो कि ट्री के नीचे वो लेटी हुई थी और अपने सिस्टर से वो स्टोरी सुन रही थी सडनली सी सॉ ए वाइट रैबिट इस कैम्पर बाय अचानक उसने एक वाइट रैबिट को देखा जो उधर से भाग रहा था ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वियरिंग ए ब्लू कोट उसके पास पिंक आइज थे उसके आइज जो है वो पिंक थे और उसने ब्लू कोट पहन रखा था ही टुक आउट ए बिग वॉच फ्रॉम his वेस्ट कोट पॉकेट और उसने जो है अपने वेस्ट कोट के पॉकेट से उसने बड़ा सा वॉच निकाला एंड ऐस ही हरी डब्य और वो वहाँ से चला गया जल्दी से वो चला गया ही सैड ओ डियर आई विल बी टू लेट उसने कहा ओ oh डियर मैं बहुत लेट हो जाऊँगा सी थाउट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रेबिट उसने सोचा एलिस ने सोचा कि इस रेबिट में ज़रूर कुछ डिफरेंट है ये बिल्कुल अलग टाइप का ही रेबिट है इट कु टॉप वो बोल सकता है इट वॉर ए रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरिड ए वॉच वो रेड कलर का वो वेस्ट कोट पहन रखा है और उसके पास वॉच भी है एलिस वॉकिंग रेबिट एलिश जो है वो उसने आश्चर्य किया कि ए ए टॉकिंग रैबिट बोलने वाला रैबिट. ए रैबिट रेबिट ए वेस्ट कोट एक रैबिट जो कि वेस्ट कोट पहन रखा है एलिस वॉज बर्निंग विथ क्योरिसिटी एंड सी फॉलो द वाइट रेबिट एलिस जो है वो उसके क्योरिसिटी या की जिज्ञासा वो उसकी क्यूरिसिटी से वो जल रही थी और उसने वाइट रेबिट का पीछा किया द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलो द रेबिट एलिस रेबिट जो है वो दौड़ना वो स्टार्ट किया और एलिस उसका पीछा कर रही थी द रेबिट सडनली पोप डाउन ए लार्ज रेबिट होल और जो है न वो रेबिड जो है अचानक वो रेबिट होल बड़ा सा रेबिट होल था उसमें वो घुस गया छलांग मारा एलिस जम्प इंटू द रेबिट होल टू और एलिस भी उस रेबिट होल में जम्प्ट की द रेबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इंटू द रेबिट होल और जो है रेबिड वो उसमें घुसता ही गया घुसता ही गया रेबिट हॉल में एलिस सेड अलाउड वेयर एम आई एलिस ने ज़ोर से चिल्लाया ज़ोर से कहा कि मैं कहाँ हूँ हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन मैं कितने माइल्स नीचे आ गई मैं कितने माइल्स नीचे गिर गई आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ Uh, मैं जरूर सेंटर में अर्थ के सेंटर में मैं पहुंच गई हूँ एलिस ने सोचा सी वंडर्ड विल आई स्लीप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड उसने सोचा उसने आश्चर्य से सोचा उसने आश्चर्य किया क्या मैं अर्थ के अदर साइड में मैं पहुंच गई हूँ दूसरे साइड में मैं चली गई हूँ थम थम्प आवाज़ हुआ यानी धम एलिस ऑन ए पाइल ऑफ ए ऑफ ड्राई लिप्स एलिस जो है वो सूखे पत्ते यानी ड्राई लिप्स के ढेर में वो गिर गई सी लुक अराउंड क्विकली एंड सडनली साओ द्हाइट रेबिट अगेन और उसने वहाँ पे अचानक उसने वाइट रैबिट को फिर से देखा इट डिस उसने वो जो है गायब हो गया और देखिए ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग ओ मे मेरी उसने कहा कि मेरे कान और मेरे मूछ विस्कर्स, मैं कहाँ ये यहाँ कैसे पहुंच गई इसके बाद देखिए एलिस स्टूड अप एंड साय स्मॉल डोर अबाउट फिफ्टीन इंचेस हाई एलिस खड़ी हुई और उसने देखा एक स्मॉल डोर जो कि फिफ्टीन इंचेस ऊंचा था इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू और वो उस स्मॉल डोर को वो बहुत यानि कि वो बहुत छोटी थी उस डोर में जाने के लिए सी साओ ए ग्लास टेबल विथ ए गोल्डन की ऑन इट उसने एक ग्लास टेबल देखा जो कि जिसने गोल्डन की थे सी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलइट इट फिफ्ट और उसने उस गॉल्डन की से खोलने की उस डोर को खोलने की कोशिश की एलिस ओपन द डोर एंड लुकड इन टू द लवलीएस्ट गार्डन सी हैड एवर सीन उसने उस डोर को खोला और उसने वो देखा वो नज़ारा बहुत ही लवलीएस्ट गार्डन था उस गार्डन उसने अपने लाइफ में ऐसा गार्डन उसने कभी भी नहीं देखा था जो बहुत ही प्यारा था सी लॉन्ग टू बी एमोंग दोज बैड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेंस और उसने वहाँ पर ब्राइट्स चमकीले चमकीले फ्लावर्स देखे कूल cool फाउंटेंस देखा उसने बहुत सारी चीज़ वहाँ पर देखे सी कुड नोट इवेट गेट हर हेड थ्रू द डोरवे और वो अपने हेड को उस डवे में वो नहीं घुसा सकती थी Oh, how I wish I could become smaller! See," exclaimed loudly. उसने जोर से कहा कि काश मैं बहुत छोटी होती तो ये स्टोरी आपका खत्म हो चुका है तो चलिए न्यू वर्ड्स कर लेते हैं तो देखिए न्यू वर्ड्स में स्कैम्पर। स्कैम्पर मीन्स होता है भागना या पलायन करना हरिड हरिड मीन्स जल्दी जल्दबाजी पोप्ड मीन्स घुसना या छलांग लगाना डिसएपियर्ड मीन्स गायब होना विस्कर्ट्स मीन्स मूछ और देखिए इसमें अब है क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कर लेते हैं हम लोग तो अब देखिए इसमें फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन है कि वाई लिस्निंग टू द स्टोरी वॉट डिड एलिस तो इस स्टोरी में एलिस ने क्या देखा तो ए वाइट रैबिट उसने एक वाइट रेबिट देखा उसके बाद है सेकेंड में कि वॉट वॉज डिफरेंट अबाउट द रेबिट दैट एलिस साओ तो एलिस ने जो जिस रेबिट को देखा उसमें डिफरेंट क्या था तो उसके बारे में बताना है तो आंसर क्या लिखेंगे ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वियरिंग ए ब्लू कोट ही टुक आउट ए बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पैकेट तो उसने क्या देखा कि उसके पिंक आइज थे और उसने ब्लू कोट पहन रखा था और उसने अपने वेस्ट कोट के पॉकेट से उसने बड़ा सा वॉच निकाला उसके बाद देखिए थर्ड नंबर में है कि वेयर डिड द रेबिट गो तो रेबिट जो है वो कहाँ जा रहा था तो क्या लिखेंगे द रेबिट इंटर ए डिप रेबिट होल तो वो जो रैबिट जो है वो एक डीप एक गहरा सा बड़ा सा एक रैबिट होल था जिसमें वो घुस गया इसके बाद है फोर नंबर कि हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड तो ये जो है ना एलिस वो वंडरलैंड कैसे पहुंच गई तो क्या लिखेंगे आंसर एलिस फॉलोड द स्ट्रेंज रैबिट जंपट इनटू द रैबिट होल तो एलिस जो है वो रैबिट को फॉलो करते हुए वो जो है ना वहाँ पे पहुँच गई रैबिट होल में और सी हैड ए ग्रेट फॉल इन टू द डीप रैबिट होल और उसने वो जो है रैबिट होल में वो घुस गई सी फिल ऑन हिप ऑफ ड्राई लिप्स एंड दस रिस्ट वंडरलैंड और वो जो है ना ड्राई लिप्स के ऊपर वो गिर गई उसके ढेर में वो गिर गई और वो, वो वंडरलैंड वो पहुंच गई इसके बाद है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी तो उसने क्या स्ट्रेंज वहाँ पे क्या स्ट्रेंज देखा क्या स्ट्रेंज चीज़ें उसने एलिस ने देखी वहाँ पे तो लिखेंगे कि इन वंडरलैंड एवरीथिंग वाज वेरी स्ट्रेंज तो वंडरलैंड में जो है ना सारी चीज़ें जो है ना बहुत स्ट्रेंज थी बहुत अजनबी थी बहुत एलिस वेरी स्मॉल डोर अबाउट फिफ्टीन इंच इंचज हाई एलिस ने वहाँ पे छोटा सा स्मॉल डोर देखा जो कि 15 इंचेस हाई था सी द देंज रैबिट इंटरिंग द डोर और उसने जो है ना स्ट्रेंज उसने देखा कि रैबिट जो है ना वहाँ पे इंटर किया एलिस फर्डर सा ग्लास टेबल ऑन विच ए गोल्डन की वॉज लेइंग और उसने वहाँ ग्लास टेबल देखा और गोल्डन की जो है देखे तो इस तरह से उसने ये सारी चीज़ देखे उसके बाद है सिक्स नंबर डिस्क्राइब इन योर आउन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस साओ अब देखिए इसमें uh, जो है ना अपने लैंग्वेज में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है जो एलिस ने वहाँ पे जो गार्डन देखा उसके बारे में बताना है तो क्या बता सकते हैं तो देखिए वैन एलिस ओपन द डोर सी फाउंड ए ब्यूटिफुल गार्डन इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दैट एलिस हैज सीन इन हर लाइफ तो उसने क्या देखा वहाँ पे जो है ना एलिस ने डोर वहाँ पे उसने ब्यूटीफुल गार्डन देखा जो कि उसके लाइफ का बहुत ही अच्छा गार्डन था जो उसने कभी नहीं देखा था देयर वेयर वेरियस कलर फ्लावर इन द गार्डन वहाँ पे तरह तरह के फ्लावर्स थे द स्मेल वॉज वेरी एट्रैक्टिव और जो स्मेल थी वहाँ के वो बहुत ही अट्रैक्टिव थे उसके फ्लावर्स के स्मेल द गार्डन ऑल्सो हैड ए फाउंटेन और गार्डन में एक फाउंटेन भी था सी विश्ड दैट सी कूड स्टे देयर फॉर एवर और वो विश कर रही थी कि वो वहाँ हमेशा के लिए वहाँ पे वो रह सके और उसके बाद देखिए सेवन नंबर में है कि ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स तो देखिए इसमें आपको एक गार्डन यहाँ पे ड्रॉ करना है जो आपके यानी सपनों का आपका गार्डन हो तो उसका आपने जैसे अपने सपनों में सोचा हो उस तरह का गार्डन आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेंगे गार्डन और उसके बाद है यहाँ पे कि टिक द करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर जो है उसमें टिक करना है तो द रैबिट हैड तो रैबिट के पास कैसे आइज थे तो वाइट आइज़ बिग आइज़ या पिंक आइज़ तो कैसे थे पिंक आइज़ थे तो पिंक, तो पिंक यहाँ इसमें हम टिक करेंगे उसके बाद है कि हु वाज बर्निंग विथ क्यूरिसिटी तो कौन क्यूरसिटी uh, के साथ कौन जल रही थी तो एलिस जल रही थी तो यहाँ पे हम एलिस में टिक करेंगे उसके बाद है हु फिल डाउन एंड डाउन एंड डाउन तो कौन जो है uh, नीचे यानी कि गिरता गया गिरता गया अंदर ही मतलब डाउन डाउन वो गिरता गया घुसता गया वहाँ पे। तो कौन था द रैबिट के बाद देखिए फिर क्या है कि हुड ओ माई ईयर्स एंड विस्करस हाउ लेट इट्स गेटिंग तो किसने कहा था तो रेबिट ने कहा था द रेबिट होगा उसके बाद देखिए द गार्डन एलिस साओ वॉज तो एलिस ने जो गार्डन देखा वो कैसा था तो लवली तो इसमें हम टिक करेंगे और इसके बाद है डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड योर हीयर एट नाइट तो ये सब कुछ नहीं है उसके बाद देखिए यहाँ पर लेफ्ट राइट यहाँ पे फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स तो देखिए स्टोरी से ही आपको एक वर्ड मतलब निकालना है और यहाँ पे लिखना है तो जैसे है कि टू वॉक फास्ट तो क्या हो जाएगा बहुत तेज दौड़ना तो इसे हम क्या कहेंगे हरी उसके बाद है टू थिंक सोचने का यानी कि वंडर यानी सोचना आश्चर्य करना हैप्पी तो डिलाइट हो जाएगा उसके बाद है टू बी सीन नोवेयर तो डिसपेयर मीन्स गायब होना उसके बाद है एट वंस क्विकली उसके बाद मूव फास्ट स्कैम्पर उसके बाद है टू बी इन क्वीसीटिव तो इसका क्या हो जाएगा क्यूरियस तो इस तरह से इसे हम लिख लेंगे और उसके बाद है यहाँ पे आपको अपोजिट यहाँ गिव एनदर वर्ड फॉर द वन गिवन बिलो विथ सिमिलर मीनिंगस एंड मेक सेंटेंसेस तो आपको यहाँ पे मैक्स सेंटेंस बनाना है जो सिमिलर मीनिंग के हो मेक सेंटेंसेज विथ इच ऑफ द अपोजिट ऑफ दिज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस विथ दैम और देखिए मैक्स सेंटेंस बनाना है अपोजिट भी लिखना है और उसके सेंटेंस भी बनाना है आपको तो यहाँ देखिए जैसे लवली है तो लवली का क्या हो जाएगा अपोजिट नेस्टी तो यानी कि लवली मीन्स प्यारा नेस्टी मीन्स बुरा तो इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे श्रवण हैड नेस्टी नेचर तो श्रवण जो है वो नेस्टी नेचर का है नेस्टी नेचर का था टॉकिंग टॉकिंग का क्या हो जाएगा टॉकिंग मीन्स बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो बातें करता है टॉकिंग तो इसका हो जाएगा सैलेंट यानी कि बातें नहीं करना सैलेंट रहना तो द क्लास वॉज सैलेंट उसके बाद है लिश्निंग तो स्पीकिंग और इसका क्या हो जाएगा मदर वॉज स्पीकिंग टू द दैवर्थ उसके बाद है सी तो इग्नोर सी मीन्स देखना इग्नोर मीन्स इग्नोर करना रैबिट इग्नोर एलिस इसके बाद है सेंटर का बॉर्डर आर्मी मैन लिव एट द बॉर्डर फॉर आवर कंट्री तो इस तरह से हम इसे बना लेंगे तो ये देखिए बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और बच्चों अगर आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू वॉच माई वीडियो